ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੋਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ ਖੜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲਵਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਧੁੱਪੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਫੇਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਖਣਾ ਪਈ सीसीआई अते प्राइवेट खरीदारा वलो अज नरमे दी खरीद ना किते जान दे रोष वजो किसाना ने गिदड़बाहा दे कचारी चौंक नेड़े बनी कपाह मंडी दे बाहर मलोट बठिंडा रोड ते नरमे दियां भरियां ट्रालियां सड़क ते लगा के आवाजाई ठप कर दित्ती ते केंद्र ते पंजाब सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी कीती। इस मौके किसान मनजिंदर सिंह सुखविंदर सिंह अते ठाणा सिंह ने दस्या कि ओह अपनी नरमे दी फसल वेचन लई ट्रालियां लेके नवी अनाज मंडी विच आए सन जिथे मार्केट कमेटी दे कर्मचारियां ने उनां नूं दस्या कि उनां दे नरमे दी फसल दी खरीद 1 अक्तूबर तो नवी अनाज मंडी विच नहीं सगो कपाह मंडी विच होवेगी ते जदों ओह फसल लेके कपाह मंडी विच पहुंचे तां खरीद एजेंसी अते व्यापारी नरमे विच वध नमी होण दा बहाना लगा के उहनां दी फसल दी बोली अते खरीद करन लई तैयार नहीं हन ते ओह उहनां दी फसल दी तय कीती गई MSP तो घट 4500 तो 5000 रुपए प्रति क्विंटल दे हिसाब नाल नरमे दी खरीद करना चाहुंदे ने जो कि किसाना दी शरेआम लुट है। की गल बात है जी? गल बात की है जी नरमा लेके आए चोर ते पिच्छे लड़े खड़े कोई बोली नहीं प्राण होई जाने इत्थे जे इन्हां ने ढेर ना लवाउणे सानूं इत्थे सद्दिया क्यों असीं उत्थे दुकानां मूहरे ढेर ना लवा लाँगे जाग टालियां ला के मुड़ जांदे असीं बैठे रहिंदे बुढ़े सेरे हुण दस असीं इत्थे किथे दा सानूं कोई रोटी लैके किथे चाह पाणी दे किथे असीं इत्थे बैठांगे धुप्पे आ मसला हो तुसीं वेख लो ते इह अखियां दा लोड़ उठी सरकारी खरीद तो पहले ही नहीं खरीदी जो जमा खरीद हट गए जिमीदार ने कदों खरीदा की लगता है खेती बिल है जेड़े वो पास हो गए जे वो लागू हो गए फिर की हाल हो किसान दा जिमीदार दा जमा ही बुरा हाल है फिर आ सानू मैं मनजिंदर सिंह किसान अज नरमा लैके आया सी पहला जिथे पहला कणक की बोली होंदी हुंदी सी कणक तोलदी हुंदी सी जां झोना तोलदा उत्थे ढेरी करके लैंदे हुंदे सी नरमा अज जो अं चाणचक आए उत्थे सानू कमेटी वाले ने कहिंदे वी उतरले पासे जिहड़ी दूजी हैगी आ कचहरियां अगे आ जिहड़ी दाणा मंडी वी उत्थे लैके चलो नरमा असीं इत्थे लिया आए इत्थे इहनां दी मीटिंग चल रही सी एक दूजे नाल व्यापारी ते जां उह करी जांदे सीगे वी असीं सीधा नरमा जां तां घट लवांगे 5800 दा रेट आ 5535 रुपये दा रेट है ते वी एदू घट चलो 200 घट लै लैण 300 घट लैण इहनां दी बोली नहीं अजे शुरू कीती इस करके किसानां ने जो कीता वी आपदा उत्थे धरना लाउण दा वी असीं इत्थे हो गए बहुत दुखी सीगे किसान ते उदू रेट ते बहुत घट भाल दिया जांदा 45 रुपये तो 50 रुपये पहलां बोली है 5535 रुपये विकदा जिहड़ा आंदे MSP सरकार भी सिस्टम भी केंद्र सिस्टम भी कह रहा भी 5535 रुपये रेट है 5535 रुपये भी MSP असीं खत्म नहीं की सरों की जां दूजियां होर फसलों की जिहदा हुण रौला आर्डीनेंस जारी है आह हाल हो रहा है जिहड़ा हैगा MSP दा हुण तुसीं देख लो भी सीधे सबूत है इत्थों ग्राउंड रिपोर्ट है इह जिहड़ी किसानां दी ते भी वेख लैण भी इह जिहड़ा हैगा भी सही रेट ते उसे रेट ते नहीं जे इत्थे CCI अज खड़े हो जाए जिवें खट्टर दे हरियाणा सरकार जिहड़े मिल के आए है गडकरी साहब नूं भी मिलिया ईरानी नूं भी मिलिया उह ते तोमर साहब नूं भी मिलिया भी अज ही शुरू हो जाएगा 200-400 रुपया अज ही फायदा हुंदा है जिहड़ा किसानां दा नहीं की लगदा जिहड़े किसानी बिल हैगे आ पास हो गए जे उह पास हो गए तां फिर किसान ते होर जो पहली गल सानू खदशे है जे सही है तां सानू कोई भी अगे आके सानू दसे भी किसानां दे फायदे है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਇੱਥੇ 100-200 ਜਾਂ 300 ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 5525 ਰੁਪਏ 35 ਰੁਪਏ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ 100-200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਗਾਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਗਾਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਰਚਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਾਂ DAP ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਲਵਾ ਕੇ
नरमे की बोली होंगी सी खरीद होंगी सी। कल तो कोई लैटर पत्र आया भी बोली जी कॉटन मंडी के होया करूगी। वो हूँ जे व्यापारी है वह कह रहे जी नरमा गिला है तो 5900 तो अगे लेंदे सी, वो हूँ 4500 लेके किसानों की लुट कर रहे। उन्होंने आपदा मीटिंग कर ली है भी ये तो गिला है जी, हूँ असी इतने लेके आए हैं, हूँ कहें भी जाके ढेरी लवाओ। जिमीदारा अगे निकला ये खर्चा बहुत ज्यादा पैंता जी, जे कोई इतों मंडी के जाना तो रिक्शे वाला 50 रुपये मंगता, जिमीदार का कोई तेल का खर्चा नहीं, तुम उ लेके जाओ। ये बोली नहीं ला रही, 12 बज गए जी, अजे तक कोई बोली वाला नहीं आया, कोई मार्केट कमेटी का मैंबर नहीं आया। जे पूछा तो कहते मार्केट कमेटी वाले गल करो। जे वो इस तरह करे किसान सारे इकट्ठे है इतनी रहने की गल बात है, किसान इतने खड़े जी, सारा नरमा ट्रालियां खड़िया, अभी हम जावे कि ट्राली नरमा लेके जी, अभी इतने ही रहेंगे नरमा लेके। दसो जी कितने जावे, पिंड जावे, दुआरे खर्चा, वो खर्चा तो अगे नहीं पूरा आ रहा लेबर का, होर खर्चे भा 5900 रुपए का, सरकारी रेट 5800 रुपए का, कोई खरीद नहीं हो रही। सरकारी खरीद चले तो कोई जिमीदारा का फायदा होगा जी। एक्चुअल अज अभी यार्ड चेंज किया, पहले उधर पूरी सी, अब तो नरमा मंडी इतने 1 अक्टूबर तो सा सीजन शुरू हो जाता, इतने शुरू की अब बोली, वो करके थोड़ी जी दिक्कत सी आन जान च। दूजी यह कि परचेजरा वालों कहा गया कि नरमा थोड़ा बहुत गिला है, तो वो रिलेटड सारे परचेजर की मीटिंग बुलाई गई है, सारे पहुंच रहे हैं, तो बस उन्होंने सहमत कर लिया गया है, तकरीबन हम बोली 15-20 मिनट शुरू कर दी। सर जो पहला उधर चल रही थी उदो भी नरमा इस तरह ही नरमा प्रॉपर चल रहा है, एक्चुअल नरमे की जी आमद वो एक दो दिन की हूं वधी है, पहला नरमा बहुत घट आ रहा है, गिनती दी कोई 10-20 ट्रालियां डेली दी आ रही सी, बट अज या आप जिम्मे नरमा मंडी देखिए अज 100 तो उपर ट्राली खड़ी है, ता करके जी दिक्कत हल कई परचेजर ने अपनी परचेज स्टार्ट नहीं की, हम उन्होंने भी बुलाया कि आके अपनी परचेज स्टार्ट करो, ता करके हम बस 15-20 मिनट तो बाद काम स्मूथ जो है सारा स्टार्ट। नहीं सरकारी खरीद शुरू हुई है कि नहीं हुई है? सरकारी खरीद बिल्कुल शुरू है जी, सरकारी आके सीसीआई वाले आके चेक कर लेंगे, सरकारी उन्होंने वालों जो डिसाइड किया गया सीसीआई के जो नॉर्म्स है वो ये है कि 8% तो 12% नरमे तक लेंगे, उन्होंने भी असं बुलाया से उन्होंने आके आपका चैक कर लिया, बट जो नरमा हूं आ रहा है उन्होंने नॉर्म च नहीं आ रहा है क्योंकि यह मॉइस्चर है जो 12% तो ज्यादा आ रहा है, इस करके सरकारी खरीद वो नहीं लै रहे। की सर रेट की है हुण जिहड़ा हैगा सरकारी रेट की है? सरकारी रेट 5600 मॉइस्चर कट दे हिसाब नाल है जी, फुल दा हैगा कुछ 5600 समथिंग है, कुछ आप देख लेने जी, ते बाकी उन्होंने मॉइस्चर कट लगता 1% का, उस तरह कट लगे हुए उन्होंने उस तरह बिकता है, 8-12% वाला लेंदी है सीसीआई, उस तो बाद कोई नहीं लेंदी ज्यादा मॉइस्चर। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है, फिर रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो। कितना कि असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ, और ये मैं बड़ा फायदा होया, तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।